वेलकम टू टेक अनलॉक इन दिस वीडियो वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंप्यूटर सिस्टम्स दैट आर नेटवर्क टूगेदर फॉर एक्सेसिंग वेरियस रिसोर्स इन दिस्टम यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स होते हैं मतलब अलग अलग सिस्टम आपके होमोजोनियस मतलब क्या है आपके सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो सकते हैं एक आ सकते हैं मतलब एक साथ उसका नेटवर्क आपका क्रिएट हो सकता है या हेट्रोजीनियस कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकते हैं यानी डिफरेंट टाइप के सिस्टम भी आपके हो सकते हैं जो किस लिए एक किए जाते हैं मतलब नेटवर्क टुगेदर किए जाते हैं एक्सेसिंग वेरियस रिसोर्सेज जो भी आपके रिसोर्स होंगे जो आपके अलग अलग मतलब आप मतलब आपके डिफरेंट साइट पे होंगे अलग लोकेशन पे होंगे वहाँ पे आपको अगर उसे एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यहाँ पे काम में आ सकता है नेक्स्ट देखिए शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेस कंप्यूटेशन स्पीड फंक्शनैलिटी अवेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी तो यहाँ पे देखिए अगर एक नेटवर्क से आपके सभी डिफरेंट साइट्स या डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम आपके कनेक्टेड हो गए तो यहाँ पे सभी किस में होगा आपका शेयरिंग में होगा तो यहाँ पे आपके रिसोर्स भी क्या किए जाएंगे आपके नेटवर्क में शेयर किए जाएंगे अगर रिसोर्स शेयर किए गए तो यहाँ पे देखिए क्या क्या उसके बेनिफिट्स होंगे यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ेगा आपका मतलब प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ेगी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अवेबिलिटी भी बढ़ेगी अवेलेबल भी हो सकते हैं एट ए टाइम क्योंकि आप फिजिकली उसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आप नेटवर्क के थ्रू क्या कर रहे हैं है। यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए रिलायबिलिटी भी होगी मतलब आप उस पर रिलाई कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए द कंप्यूटर और नोट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज एंड फंक्शंस और आपके कंप्यूटर नोड कंप्यूटर्स या आप डिफरेंट टाइप के नोड्स आपके क्या हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी कर सकते हैं इन साइज एंड फंक्शंस मतलब कोई नेटवर्क ऐसा भी हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कि बहुत बड़ा नेटवर्क है या कोई आपका बहुत ही सिंपल आपका सिंपल नेटवर्क सिस्टम भी यहाँ पे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दी है उन्होंने फर्स्ट है यहाँ पे साइट ए सेकंड है यहाँ पे साइट बी और थर्ड है यहाँ पे साइट सी यहाँ पे देखिए सभी साइट आपके किससे कनेक्टेड है नेटवर्क से कनेक्टेड है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्वर साइड है और यहाँ पे क्लाइंट मशीन है सर्वर साइड की मशीन पे क्या हो रहा है यहाँ पे आप सर्वर साइड से क्लाइंट साइड क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली क्लाइंट आपका यहाँ पे मैसेज सेंड एंड रिसीव कर सकता है मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग क्या हो सकता है यहाँ पे हैपन हो सकता है किसके थ्रू आपके नेटवर्क के थ्रू समझ में आ रहा है कनेक्टिंग मीडियम क्या है यहाँ पे आपका नेटवर्क है और यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है डायरेक्टली आपका क्लाइंट टू सर्वर और लास्ट देखिए यहाँ पे थर्ड साइट है आपकी रिसोर्सेस रिसोर्सेज मतलब क्या है सपोज यहाँ पे मेरा प्रिंटर है प्रिंटर क्या होगा यहाँ पे आपका रिसोर्स होगा सपोज़ मेरा यहाँ पे प्रिंटर है आपका रिसोर्स और ये अलग लोकेशन पे है मतलब ये सपोज अलग बिल्डिंग में है ये अलग बिल्डिंग में है और ये आपका अलग बिल्डिंग में है तो यहाँ पे क्या होगा अलग लोकेशन पे होने के बावजूद भी आप इसे क्या कर सकते हैं उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं कैसे क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है समझ में आ रहा है यहाँ पे देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सिंपल डायग्राम है आई होप आपको समझ में आ गई होगी तो यहाँ पे देखिए उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं या मेजर फैक्टर कौन से हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए फॉलोइंग आर फोर मेजर रीजन फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यहाँ पे देखिए चार ऐसे रीजन होते हैं जिनके कारण ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना क्या होता है बेनिफिशियल होता है फर्स्ट है आपका रिसोर्स शेयरिंग ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा रिसोर्स शेयरिंग होगा क्योंकि किससे कनेक्टेड है आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है ये नेटवर्क आपका कोई भी हो सकता है डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं आपको मालूम होगा नेक्स्ट देखिए

यहाँ पे देखिए आपका कोई भी कंप्यूटेशन है पर्टिकुलर कोई भी आपका सिस्टम है उसे हम क्या कर सकते हैं पार्टीशन कर सकते हैं इंटरडिपेंडेंट सब कंप्यूटेशन में फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे मल्टीपल मशीन्स हो सकते हैं तो अगर आपको कोई रिसोर्स एक्सेस करना है रिसोर्स मतलब सपोज आपको यहाँ पे कोई आपका स्टोरेज डिवाइस भी हो सकता है उस पर आपको कुछ ऑपरेशन सपोज यहाँ परफॉर्म करना है तो यहाँ पे स्टोरेज भी हो सकता है सपोज़ आपने सब कंप्यूटेशन सिस्टम में ही आपने अगर उसे डिवाइड कर दिया मतलब कोई टास्क है आपका कुछ भी टास्क होगा आपका तो वो जॉब आपने क्या कर दिया मल्टीपल सिस्टम ने आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो उससे क्या होगा आपका स्पीड ऑफ क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा क्योंकि आपने क्या किया है एक तो आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं लेकिन आपने क्या किया कि इस सिस्टम में ही हमने क्या किया उसे डिवाइड कर दिया मल्टीपल सब सिस्टम में समझ में आ रहा है एक पूरा सिस्टम है उसमें आपके मल्टीपल्स कंप्यूटर हो सकते हैं उसमें आपने क्या किया यहाँ पे डिवाइड कर दिया सब सिस्टम में जो क्या कर सकता है कॉन्करेंटली एट अ टाइम आपके वर्क क्या कर सकता है यहाँ पे कैरिड आउट कर सकता है तो इस वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका स्पीड अप क्या होगा कंप्यूटेशन मतलब प्रोसेसिंग की टाइमिंग क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा आपका डेटा समझ में आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपका प्रोसेस होगा कॉन्करेंटली नेक्स्ट थर्ड देखिए रिलायबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इफ़ वन साइट फेल्स देन द रिमेनिंग साइट कैन कंटिन्यू ऑपरेटिंग एंड हेंस द रिलायबिलिटी इज इम्प्रूवड यहाँ पे देखिए अगर कोई साइट आपकी फेल हो गई सपोज यहाँ पे आपका क्लाइंट क्या कर रहा है यहाँ पे रिसोर्स एक्सेस कर रहा है अगर यहाँ पे आपका सर्वर फेल भी हो गया या सिंपली यहाँ पर अगर आपकी कोई दूसरी साइट यहाँ पे अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है आपके तो वो साइट अगर फेल हो गई तो इसका इफेक्ट आपके इस साइट पे नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि ये सभी किससे कनेक्टेड है आपका सेंट्रल डिवाइस कौन है यहाँ पे मतलब आपका सेंट्रल कनेक्टिंग मीडियम क्या है यहाँ पे नेटवर्क है तो इस नेटवर्क जब तक ये नेटवर्क आपका फेल नहीं होता तब तक इस साइड के फेल होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका काम क्या करता रहेगा ये पूरा करता रहेगा मतलब एक साइड पूरी फेल भी हो गई तो दूसरी साइड क्या रहेगी आपकी एक्टिव रहेगी क्योंकि आपका नेटवर्क क्या है लाइव है ऑनलाइन है समझ में आ रहा है वही दिया है यहाँ पे रिलायबिलिटी क्या है यहाँ पे इंक्लूडेड है मतलब आप उस पर रिलाई कर सकते हैं आप उस पर डिपेंड हो सकते हैं उस सिस्टम पे नेक्स्ट देखिए लास्ट है आपका फोर्थ कम्युनिकेशन व्हेन वेरियस साइट्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजर्स कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद दी हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क और यहाँ पे देखिए जब आपके डिफरेंट साइट एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे तब आपका एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से क्या कर सकता है सिंपली कम्युनिकेशन कर सकता है रिसोर्स का अलग पॉइंट है लेकिन यहाँ पे वन टू वन कनेक्शन क्या होगा यहाँ पे फॉर्म हो सकता है फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट को कुछ डेटा चाहिए कुछ फाइल का एक्सेस चाहिए तो वो सर्वर से डायरेक्टली मांग सकता है क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है क्लाइंट और सर्वर दोनों कनेक्टिंग मीडियम क्या है दोनों में नेटवर्क है ठीक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सिंपल डायग्राम है आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसके बाद देखेंगे हम हमारे स्पेशल पर्पज सिस्टम्स ओके ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेशल पर्पज सिस्टम्स यहाँ पे देखिए स्पेशल पर्पज सिस्टम में हमारा फर्स्ट पॉइंट है रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम रियल टाइम सिस्टम में यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा एम्बेडेड सिस्टम्स हैव वेरी स्पेसिफिक टास्क एंड हैव लिटिल और नो यूज़र इंटरफेस यहाँ पे देखिए एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं ऐसे सिस्टम होते हैं कि जिनका इंटरफेस बहुत ही कम होता है या नहीं भी हो सकता नेक्स्ट देखिए दे आर फाउंड इन डिफरेंट डिवाइसेस सच एज़ माइक्रोवेव ओव्स रोबोट्स कार इंजिन्स ई टी सी तो यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव ओवन ये क्या होते हैं इनमें एक एम्बेडेड सिस्टम होती है मतलब एक प्रोग्राम किया होता है जो क्या होता है आपका फिक्स होता है और उसी के अनुसार वो क्या करता है काम करता है उसकी पूरी लाइफ टाइम वो क्या करेगा उसी प्रोग्राम को फॉलो करेगा फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया उसमें क्या किया होगा वहाँ पर प्रोग्राम सेट किया होगा कि अगर हमने हमने अगर टाइम लगा दिया कि कितने टाइम के लिए आपका कुक होना चाहिए या कितने टाइम के लिए आपका बेक होना चाहिए केक के लिए अलग ऑप्शन आएगा बेकिंग का अलग आएगा आपके ग्रिलिंग का अलग आएगा ठीक है अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं ओवस के लिए यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन भी इसमें आ सकता है वॉशिंग टाइम उसमें डिफाइन होगा सोकिंग टाइम डिफाइन होगा बाद में स्पिन होगा स्पिन होगा मतलब आपके क्लोथ्स क्या होंगे यहाँ पे ड्राई किए जाएंगे उसका अलग फंक्शन होगा ठीक है अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं एम्बेडेड सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम किए होते हैं कि उस फंक्शनैलिटी के अनुसार वो क्या करते हैं वहाँ पे वर्क करते हैं टेन मिनट्स के लिए आपका वॉश होगा टेन मिनट्स के लिए आपका स्पिन होगा जो भी है उसकी फंक्शनैलिटी के अनुसार यहाँ पर क्या करेंगे वो काम करेंगे नेक्स्ट देखिए एम्बेडेड सिस्टम्स ऑलमोस्ट रन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पे देखिए एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है उनकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगी जो भी होगी आपकी जनरली आपकी क्या होती है लिनक्स होती है और यहाँ पे जो भी उसमें प्रोग्रामिंग की गई है बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ क्या होता है यहाँ पे जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और जो भी आपका प्रोग्रामिंग की है उसे वो क्या करती है एग्जीक्यूट करने का सिंपली क्या करती है काम करती है उसमें मेमोरी भी होती है लेकिन बहुत ही क्या होते हैं सब लिमिटेड होते हैं क्योंकि उनका काम क्या होता है सिंपली फिक्स होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम की तरह यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म नहीं किए जाते आपके एम्बेडेड सिस्टम

सो मच सिस्टम्स आर यूज इन कंट्रोल डिवाइस इन डेडिकेटेड एप्लीकेशन सचेज डिस्प्ले सिस्टम्स मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स ऑटोमोबाइल इंजिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स होम अप्प्लाइंसिस कंट्रोलर एंड वेपन सिस्टम्स यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके एप्लीकेशन यहाँ पर आ सकते हैं जो किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं आपके एम्बेड सिस्टम में फॉलो करते हैं मेडिकल एप्लीकेशन में भी आपको मालूम होगा जो एन आर आई वगैरह जो भी रिपोर्ट आते हैं आपके जो भी हो मेडिकल पर क्या होते हैं यहाँ पर ई वगैरह स्कैन वगैरह जो होता है वो सभी क्या होते हैं आपके डिस्प्ले यूनिट होते हैं उनमें भी क्या होता है एक आपका प्रोसेसर होगा जिन्हें हम क्या कहते हैं एक एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं जो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या किया जाता है बनाया जाता है समझ में आ रहा है यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन के एग्जांपल दिए हैं इन रियल टाइम सिस्टम प्रोसेसिंग मस्ट बी डन विद इन दी डिफाइन कॉन्स्ट्रेंट और सिस्टम विल फेल यहाँ पे देखिए डिफाइन कंस्टेंट में उसे क्या करना चाहिए काम करना चाहिए रियल टाइम यहाँ पे देखिए उसके नाम में उसका मतलब है रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे टाइम में टाइम के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अगर आपकी वेपनरी सिस्टम होगी यहाँ पे देखिए आपकी वेपनरी सिस्टम अगर होगी तो यहाँ पे क्या होगा उसमें टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोज़ सपोज़ आर्मी में कोई ऐसे वेपन हो सकते हैं कि जो क्या है रॉकेट लॉन्चर है सपोज़ तो उसमें अगर हमने बटन प्रेस किया मतलब जो भी आपके ऑफिसर है उन्होंने अगर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए रॉकेट इनिशियल टाइम में जो भी उसमें टाइम लिमिट सेट किया है मतलब विद इन अ सेकंड और विद इन अ मिली सेकंड वहाँ पर क्या होना चाहिए वहाँ पर एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए अगर यहाँ पे डिले हुआ तो यहाँ पर आपका लाइफ का भी लॉस हो सकता है समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है यहाँ पे डिले नहीं चलता यहाँ पे टाइम क्या होता है रियल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझ में आ रहा है जब भी यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं आपकी वेपनरी सिस्टम हो गई जिनमें क्या होता है टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट देखिए रियल टाइम सिस्टम फंक्शंस करेक्टली ओनली इफ इट इज रिटर्न द करेक्ट रिजल्ट विद इन इट्स टाइम कंस्टेंट और यहाँ पे देखिए रियल टाइम सिस्टम क्या हो गया आपकी करेक्टली फंक्शन करेगी मतलब कब करेगी करेक्टली फंक्शन अगर उसका करेक्ट रिजल्ट क्या होगा विद इन टाइम होगा विद इन टाइम क्या होगा विद इन टाइम वो क्या करेगा आपका रिजल्ट वहाँ पे डिस्प्ले करेगा या जो भी रिजल्ट होगा आपको आपको विद इन टाइम में अगर मिल गया तभी आप कह सकते हैं कि आपकी सिस्टम क्या है करेक्ट है अदरवाइज वो क्या हो जाएगा पूरी तरह से आपका फेलियर हो जाएगा वो सिस्टम सिंपली क्या हो जाएगी आपकी फेल हो जाएगी समझ में आ रहा है वेपनरी सिस्टम का मैंने एग्जाम्पल दिया अगर वहाँ पर वो फेल हो गया विद इन अ सेकेंड्स में वहाँ पर एक्शन लेने के लिए तो वो एम्बेडेड सिस्टम सिंपली क्या हो जाएगी आपकी फेल हो जाएगी यहाँ पे यहाँ पे आपके एम्बेडेड सिस्टम में दो टाइप्स भी आते हैं मतलब दो कंसेप्ट आते हैं आपके हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम जनरली आपके हार्ड रियल टाइम में क्या होता है जहाँ पे आपके डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टाइम बाउंडिंग होती है वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपकी वेपनरी सिस्टम हो गई या सिंपली आपका ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो गई ब्रॉडकास्टिंग मतलब अगर कोई लाइव मैच चालू है और यहाँ पे सॉफ्ट रियल टाइम में आपका थोड़ा बहुत डिले क्या होता है यहाँ पे चल जाता है ठीक है सिंपल कंसेप्ट है आपको इतना डिटेल में नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम ठीक है ओके इसके बाद देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट सिस्टम ओके ओके नेक्स्ट सिस्टम है हमारी मल्टी मीडिया सिस्टम मल्टी मीडिया सिस्टम में आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप का डेटा आता है फॉर एग्जांपल आपका ऑडियो डेटा वीडियो डेटा टेक्स्ट डेटा ठीक है अलग अलग प्रकार का डेटा आता है और यहाँ पे उसके सिस्टम भी होते हैं इंडिविजुअल तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीडिया सिस्टम्स आर टिपिकली डिज़ाइन टू हैंडल मल्टीमीडिया डेटा यहाँ पे देखिए मल्टीमीडिया सिस्टम टिपिकली कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं मल्टीमीडिया डेटा को हैंडल करने के लिए मल्टीमीडिया डेटा कंसिस्ट ऑफ ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट फाइल नेक्स्ट देखिए इन मल्टीमीडिया देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन यूज टूडे सच एज एम पी थ्री डी वी डी मूवीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो क्लिप्स लाइव वेबकास्ट यहाँ पे देखिए आपका कोई एम थ्री प्लेयर होगा जो क्या करेगा सिर्फ आपका ऑडियो फाइल ही क्या करेगा यहाँ पे रन करेगा आई वगैरह जो हम कहते हैं उसके बाद आपका डीवीडी मूवीज़ का होगा यहाँ पे कोई एप्लीकेशन या आपका प्लेयर होगा डीवीडी प्लेयर सीडी प्लेयर आपको पता होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई एप्लीकेशन होगा वीडियो क्लिप्स होंगे लाइव वेबकास्ट होंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन होते हैं जो आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं नेक्स्ट देखिए मल्टी मीडिया एप्लीकेशन नीड नॉट बी आधर ऑडियो और वीडियो रेदर इट ऑफन इनक्ल्यूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यहाँ पे देखिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन आपके कोई एक टाइप का डेटा होना यहाँ पे जरूरी नहीं है मल्टीपल टाइप के डेटा भी क्या हो सकते हैं यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन में यूज़ हो सकते हैं फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका हैंड हेल्ड डिवाइस हो गया आपका मोबाइल मोबाइल में आप सभी टाइप के डेटा रन कर सकते हैं ऑडियो फाइल वीडियो फाइल ठीक है file, file. समझ में आ रहा है एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं हो सकता मतलब ये एक ही डेटा को स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं हो सकता मल्टीपल डेटा का भी एप्लीकेशन हो सकता है नेक्स्ट देखिए फॉर इंस्टेंस देयर मे बी सेपरेट ट्रैक्स फॉर ऑडियो एंड वीडियो इन मूवी और यहाँ पे देखिए ऑडियो एंड वीडियो के लिए सेपरेट ट्रैक्स हो सकते हैं मूवी के लिए आपको पता होगा डब किए जाते हैं मूवीज अलग अलग ट्रैक क्या किए जाते हैं है. यहाँ पे ऐड किए जाते हैं नेक्स्ट देखिए मल्टी मीडिया सिस्टम्स आर डिलीवर्ड इन नॉट ओनली टू द डेस्कटॉप बट आल्सो ऑन सेल्युलर टेलीफोन्स पी डी ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस एंड टैबलेट यहाँ पे देखिए आपको मैंने अभी बताया कि मल्टी मीडिया सिस्टम्स क्या हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं सिर्फ आपका डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर सिस्टम ही उसमें नहीं आता आपके सेल्युलर टेलीफोन्स हो गए पी हो गया या टैबलेट्स हो गए आपके सभी उसमें आ सकते हैं स्टॉक ट्रेडर में हैव स्टॉक कोट्स डिलीवर्ड वायरलेसली टू हिज टैबलेट और पी इन रियल टाइम यहाँ पे देखिए जब स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह चलती है तब यहाँ पे क्या होते हैं उनके स्पेसिफिक क्या होते हैं यहाँ पे डिवाइस वगैरह होते हैं टैबलेट पे या पी डी पे भी आपकी क्या हो सकती है यहाँ पे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वो क्या करते हैं सिंपली शेयर करते हैं ठीक है ठीके? तो सिंपल टॉपिक है मल्टी सिस्टम्स ठीक है इसके बाद देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट सिस्टम ओके ओके तो लास्ट सिस्टम है हमारी इस पॉइंट की यहाँ पे देखिए हैंड सिस्टम हैंड सिस्टम डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज यहाँ पे देखिए हैंडल सिस्टम मतलब क्या हो गया आपकी जो भी आप हैंड में क्या कर सकते हैं होल्ड कर सकते जो भी आपके डिवाइसेस है वो सभी क्या होंगे आपके हैंडल सिस्टम में क्या होंगे आ जाएंगे नेक्स्ट देखिए पीडीएस पीडीएस मतलब आपके पॉकेट पीसी हो गए या पाम डिवाइस हो गया या आपका सेल्युलर फोन हो गया यानी आपका मोबाइल डिवाइस ई टी सी आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड हेल्ड सिस्टम नेक्स्ट देखिए हैंडहेल्ड सिस्टम्स हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी स्लो प्रोसेसर एंड स्मॉल डिस्प्ले यहाँ पे देखिए आपकी सिस्टम स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे रिसोर्स में क्या हो जाती है यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है मतलब आपका प्रोसेसर क्या होगा यहाँ पे लिमिटेड स्पीड का होगा यहाँ पे आपकी मेमोरी भी क्या होगी यहाँ पे लिमिटेड होगी और यहाँ पे आपका डिस्प्ले भी क्या होगा यहाँ पे स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू आपका डेस्कटॉप सिस्टम नेक्स्ट देखिए

हैंड हेल्ड डिवाइस का एक मेन यूज़ क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इजीली कहाँ पर भी है उसे कैरी करके ले जा सकते हैं लेकिन उसके कुछ क्या है यहाँ पे लिमिटेशन है तो यहाँ पे अलग अलग लिमिटेशन दिए हैं वन बाय वन हम देखते हैं फर्स्ट है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मेमोरी इज लिमिटेड टिपिकली बिटवीन एम वन एम बी टू वन जी बी यहाँ पे देखिए आपके हैंड हेल्ड डिवाइस की मेमोरी जनरली क्या होती है लिमिटेड होती है फॉर एग्जाम्पल वन एम बी टू वन जी बी यहाँ पर उन्होंने दिया है लेकिन अब जो हमारे मोबाइल सिस्टम है आपकी टेक्नोलॉजी भी क्या हो गई है बहुत इवॉल्व हो गई है इस वजह से आपके मोबाइल डिवाइस में भी आप क्या हो रहे हैं फोर जी बी एट जी बी के मेमोरी मॉडल्स क्या हो गए यहाँ पे अवेलेबल है आपकी मेन मेमोरी के तो यहाँ पे लेकिन एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप सिस्टम जिसमें हम थर्टी टू जी बी सिक्सटी फोर जी बी भी हम यूज़ करते हैं उतने लेवल के एडवांसमेंट अभी तक नहीं हुई है तो एज कंपेयर टू आपके डेस्कटॉप सिस्टम ये क्या है आपकी मेमोरी क्या होती है जनरली लिमिटेड मतलब यहाँ पे स्मॉल ही होगी हर बार समझ में आ रहा है यहाँ पे आपकी एज़ कम्पेयर टू आवर कंप्यूटर सिस्टम आवर डेस्कटॉप सिस्टम आपकी टिपिकली मेमोरी यहाँ पे क्या होगी हैंडल डिवाइस में स्मॉल ही होगी नेक्स्ट देखिए हेंस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन मस्ट मैनेज द मेमोरी मोर इफिशेंटली यहाँ पे देखिए मेमोरी कम होने की वजह से आपके एप्लीकेशन और यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी आपकी मेमोरी यूटिलाइज़ करनी चाहिए और आपके एप्लीकेशन ने भी क्या करनी चाहिए यहाँ पे कम से कम यूज़ करनी चाहिए आपके अब आप यहाँ पे आपको पता होगा एप्लीकेशन के साइज़ भी अब यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी आती है फॉर एग्जांपल कोई गेमिंग एप्लीकेशन हो गया तो उन्हें ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है आपके ग्राफिक्स भी क्या होते हैं उसमें बहुत ही बढ़िया होते हैं और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी उसे क्या लगेगी मेमोरी लगेगी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई या आपका अगर एप्पल का फ़ोन होगा तो उसके आई हो गई उसकी एप्पल नाइन हो गया या टेन हो गया जो भी उसका वर्जन होगा वो क्या होंगे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए सिम्ब एन भी आती है ठीक है अलग अलग टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके लिए भी क्या होते है? होती है यहाँ पे मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट देखिए द प्रोसेसर स्पीड इज लेस विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर इन पी सी यहाँ पे देखिए एज कंपेयर टू आपके पर्सनल कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर का अगर हम प्रोसेसर कंपेयर करें तो आपका हैंडल डिवाइस का प्रोसेसर का स्पीड क्या होगा ऑब्वियसली लेस होगा क्योंकि यहाँ पे वो लिमिटेड साइज में हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम ज़्यादा स्पीड का प्रोसेसर लेंगे तो आपका डिवाइस भी क्या हो जाएगा हीटअप हो जाएगा ज़्यादा ठीक है तो यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं आपके मोबाइल डिवाइस में भी अब यहाँ पे नाउ डेज आपको अलग अलग स्पीड के प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कॉलकॉम प्रोसेसर हो गया जो भी आपके मोबाइल डिवाइस है उसमें क्या होता है आपके कॉड कोर प्रोसेसर भी आते हैं ड्यूल कोर प्रोसेसर भी आते हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू आपके पर्सनल कंप्यूटर जिसमें क्या होते हैं आपके जिसमें क्या होते हैं आपके सिक्सटीन कोर थर्टी टू कोरस के क्या होते हैं यहाँ पे प्रोसेसर होते हैं जो क्या है कंपेरेटिवली आपके मोबाइल से क्या है ऑब्वियसली फास्टर है तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका हैंडल डिवाइस के लिए लिमिटेशन हो गया नेक्स्ट देखिए टू इंक्लूड अ फास्टर प्रोसेसर यूज वुड रिक्वायर लार्जर बैटरी यहाँ पे देखिए आपके फास्टर प्रोसेसर का यूज करने के लिए आपको क्या लगेगी लार्ज बैटरी भी लगेगी विच वुड टेक अप मोर स्पेस एंड वुड हैव टू बी चार्ज मोर फ्रिक्वेंटली यहाँ पे देखिए जो क्या लगे ऑब्वियसली आपका स्पेस ज़्यादा लेगी मतलब आपका स्पेस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा क्योंकि बैटरी की साइज अगर बड़ी होगी फॉर एग्जाम्पल आपकी 6000 थाउजेंड एमएच की बैटरी है या 5000 फाइव की बैटरी है तो यहाँ पे उसकी साइज भी क्या होगी यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगी बढ़ जाएगी और यहाँ पे उसका रिचार्ज फ्रिक्वेंटली रिचार्ज करने का टाइम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा यहाँ पे आप कह सकते हैं मोर फ्रिक्वेंट की बजाय आप यहाँ पे कह सकते हैं मोर टाइम लेगी आपकी बैटरी चार्ज होने के लिए क्या लेगी यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेगी ठीक है समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके प्रोसेसर के लिए आपको क्या लग रहा है यहाँ पे बैटरी की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे जैसा आपका प्रोसेसर का काम होगा जैसे आपकी सिस्टम का यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ेगा वैसे आपका बैटरी का टाइम भी क्या होगा मतलब हो हो तो यहाँ पे मतलब बैटरी का बैटरी का कंजम्पशन भी क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा ठीक है तो नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा देयर इज अ फिजिकल स्पेस लिमिटेशन फॉर की बोर्ड्स यहाँ पे देखें हैंडल डिवाइस में क्या होगा आपका अगर यहाँ पे आपका सिंपल अगर हम मोबाइल देखें सिंपल अगर हैंडल डिवाइस देखें तो यहाँ पे क्या होगा डिस्प्ले का यूनिट होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका कीबोर्ड होगा और यहाँ पे देखिए हैंड राइटिंग रिकोगनीशन एंड डिस्प्लेखें हैंड राइटिंग रेकगनीशन के लिए भी यहाँ पे कम स्पेस होगा और आपका डिस्प्ले के लिए भी यहाँ पे क्या होगा कम स्पेस होगा लेकिन अब आप आपके जनरली अब आप आपके टच स्क्रीन के मोबाइल आ चुके हैं जिसमें क्या होता है एक्चुअल में उसका डिस्प्ले क्या होता है जनरली बड़ा होता है और इमबिल्ड होता है फिर भी ये एक लिमिटेशन है क्योंकि उसकी साइज़ की की साइज़ वगैरह जो भी हम देखें तो वो क्या है लिमिटेड है तो यहाँ पे आपके कीबोर्ड की साइज़ भी है उसमें क्या है सिंपली लिमिटेशन है क्योंकि साइज़ भी क्या होगी की बोर्ड की यहाँ पे स्मॉल हो होगी एज कम्पेयर टू आपके डेस्कटॉप सिस्टम नेक्स्ट देखिए द स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन लिमिट्स आउटपुट ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन कितनी भी हो मोबाइल की लेकिन वो क्या हो गया एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप आपकी स्मॉल होगी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर डेस्कटॉप वेब पेज अगर यूज़ करते हैं जो भी कोई आपकी डेस्कटॉप की साइट होगी तो यहाँ पे अगर वो वेब पेजेस हम क्या करते हैं मोबाइल में यूज़ करते हैं ओपन करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे स्क्रीन लिमिटेशन होने की वजह से आपको पूरा पेज नहीं दिखेगा आपको क्या करेगा आउटपुट ऑप्शन मतलब सभी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे जो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई देते हैं तो यहाँ पे देखिए वन अप्रोच टू डिस्प्ले द वेब पेजेस इज़ वेब क्लिपिंग तो यहाँ पे देखिए एक अप्रोच यहाँ पे यूज़ किया जाता है जो क्या है आपका वेब क्लिपिंग वेब क्लिपिंग के जरिए क्या किया जाता है आपके डेस्कटॉप की साइट क्या की जाती है वहाँ पे उस हैंडल डिवाइस में उस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या की जाती है फिट की जाती है यहाँ पे आपको मालूम होगा मोबाइल मोड में होता है वेब पेजेस का और डेस्कटॉप मोड भी होता है सिंपली आप ऐसा कह सकते हैं कि मोबाइल मोड में क्या हो जाएगा वो वेब पेज ओपन हो जाएगा वेयर ओनली स्मॉल सबसेट ऑफ वेब पेजेस इज डिलीवर्ड जहाँ पे आपकी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ वेब पेजेस क्या होगे सिर्फ डिस्प्ले होंगे लेकिन जो भी होंगे वो फुल इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे नेक्स्ट देखिए एंड डिस्प्ले एट अ टाइम और एट अ टाइम भी आपको क्या हो जाएंगे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे मतलब सभी ऑप्शन सिंपली आपको दिखाई देंगे लेकिन एट ए टाइम यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन होने की वजह से एट ए टाइम आपको क्या होगा स्मॉल पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही क्या होगी यहाँ पे डिस्प्ले होगी ठीक है तो वेब क्लिपिंग क्या है आपका सिंपली आपका डेस्कटॉप का सपोज पेज है तो यहाँ पे साइड से क्लिप किया जाता है मतलब परफेक्ट साइज में आपके मोबाइल में हैंड हेल्ड डिवाइस में क्या किया जाता है वहां पर आपको डिस्प्ले किया जाता है नेक्स्ट देखिए द लिमिटेशन इन द फंक्शनैलिटी ऑफ पी आर बैलेंस्ड बाय देयर कन्वीनियंस एंड पोर्टेबिलिटी यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिमिटेशन है फिर भी यहाँ पे क्या किया जाता है बैलेंस किया जाता है क्यों क्योंकि इसका मेन एडवांटेजेस या इसका मेन यूज़ क्या है ये कन्वीनियंट है बहुत मतलब इजी टू कैरी है और पोर्टेबल है जहाँ पर भी आप चाहे वहाँ पे ले जा सकते हैं और कन्वीनियंट है ईजी टू यूज़ भी है ठीक है तो यहाँ पर उसके मेजर एडवांटेजेस होने की वजह से यहाँ पे उनके लिमिटेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे ये डिवाइसेस बहुत ही क्या होते हैं मोर फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं यहाँ पे यूज होते हैं ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा हैंडहेल्ड सिस्टम ठीक है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था थैंक यू